हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने अपना नेक्स्ट कट ऑफ यहाँ जारी कर दिया है एलएलबी वालों के लिए। और जानते हैं जो एलएलबी वालों की जो नेक्स्ट कट ऑफ हमारी जो तीसरी कट ऑफ जो निकल कर आई है वो आई है 8 फरवरी 2021 के लिए। अब जानते हैं 8 फरवरी 2021 के लिए जो एलएलबी वालों की जो कट ऑफ निकल गई, अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो जानते हैं ऑल कैटेगरी की यहाँ कट ऑफ निकल के आई है 180 नंबर। इसका मतलब चाहे आप ओबीसी हो, जनरल हो या फिर एससी हो, तीनों ही कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आई है वो आई है 180 नंबर। टोटल स्कोर आपका 180 से ज़्यादा है तो आप अपनी काउंसिल करा सकते हैं एलएलबी के लिए इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 8 फरवरी 2021 के लिए। और जानते रहिएगा यहां पे जो भी जो काउंसलिंग चल रही है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की वो ऑफलाइन चल रही है, इसलिए आपको बेनीगंज कैंपस में जाना पड़ेगा काउंसिल कराने के लिए। और जानते रहिएगा अगर एसटी कैंडिडेट के बारे में, एसटी वालों की क्या कट ऑफ निकल गई, तो जानते रहिएगा एसटी ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया है। इसका मतलब अगर एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं और आप केवल एंट्रेंस में अगर आप बैठे हैं, आपका कोई मार्क्स हो या ना हो, आप सभी को बुला लिया गया है काउंसिल कराने के लिए। तो ये हमारी कट ऑफ क्या है, ये आपकी कट ऑफ है एलएलबी वालों के लिए 8 फरवरी 2021 के लिए इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की। और जानते रहिए जब आप काउंसिल कराने के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग की जो समय होगा, चूंकि ऑफलाइन चल रहा है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा सुबह 10 बजे से लेकर और आपको दोपहर के 12 बजे के बीच, मतलब 10 से 12 के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, आपको कॉलेज में पहुंच जाना है। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके कम से कम आपके पास होने चाहिए 4 फोटोज, मतलब 4 फोटोज होने चाहिए, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी होने चाहिए, माइग्रेशन टीसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका और आपके पिताजी का आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपने एंट्रेंस में जब दिया था, एंट्रेंस का जो रिजल्ट निकला है उसमें जो टोटल मार्क्स आपने गेन किया है उसकी भी एक प्रति आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारी कट ऑफ क्या है, ये है आपकी एलएलबी वालों के लिए इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की 8 फरवरी 2021 के लिए। तो मे बी आपके यहाँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।